बलवान आदेश किया, मेरी सुनो सारने मात और मात मेरी बड़ी मथुरा भैया सातवां गर्भ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ, उस बालक का नाम रख दिया बलराम। बोलिए बलराम भगवान की। अब आत्मा गर्भ, कंस स्वयं पहरे पर खड़ा हो गया, इधर भ्राताजी का वक्त था, जवाब दिया ये वक्त आना काने का नहीं बल्कि कुर्बानी का है। हाँ दो पहरे डाल लगे वहां चल लगा दो, अब भगवान का जन्म होने वाला है। रात्रि का समय था, पूरब दिशा में दीवाल में भगवान ने अपनी प्रतिमा दिखाई। बसुदेव बोले प्रभु मैं स्वर्ग में ही आया, स्वर्ग हमारे पास चल के आया है। जवाब दिया स्वर्ग खुद आपके पास चल के आया है। बसुदेव बोले प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? जवाब दिया सेवा नहीं, मैं सेवा करवाने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए आया हूँ। केवल मेरा एक काम कर दो, मुझे रात ही रात में बाबा नंद के पास में पहुंचा। जवाब दिया हाथन में हथकड़ियां पाए में बेड़ियां, कहने की देरी टूट गई। एक सूप पड़ा हुआ था, प्रदीप